उ़बीमिनशन बसमल रिम हो वसमियम हो वल्कफ़ूर हो व तब्यारीमल महम्मद वाल महमदिन दरबार मामजादा शाह लश्तर गाज़ी बाबा से तमाम तर मेरी पाबंदियों के बावजूद अल्लामकम वबरक़ा जन्त की कमज़ोरियाँ क्या होती हैं वाट आर द वीकनेस दर एग्ज़्टंग जिन देखिए जन्ात हमसे सुपीरियर नहीं है मलाइका से सुपीरियर नहीं है ये अल्लाह का फ़ैसला है कि इंसान ही अशरफुलमखलूक़ात है लिहाजा अल्लाह पाक ने बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी जन्नात को दी हैं लोग आ, इंसान की हैसियत से हमेशा जन्नतों से डरते हैं लेकिन अगर वो ये जान लें कि जन्नत में कितनी कमज़ोरियाँ एग्ज़िस्ट करती हैं और वो हमारे दरमियान में जब को एग्ज़िस्ट करते हैं तो हम अपनी बहुत सारे जो कमजोरियों वाले खौफ हैं उस पर हम अपने बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं अगर हमें ये पता हो जन्नत बहुत जल्दी ज़ोर से कोई सूरत पढ़ने से घबरा जाते हैं जन्नात बहुत ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने से भाग जाते हैं जन्नात कलमा तैयबा के वर्द से बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं वो जो शरीर जन्नात हैं वो जो तंग करने वाले हैं जन्नात अजान देने से जगह छोड़ देते हैं आवाज से अजान देने से जन्नात का नाम अगर किसी को पता चल जाए तो वो उस जिन को ना सिर्फ़ काबू कर सकता है उसको कैद कर सकता है उसको महकूम कर सकता है उसको मखदूम कर सकता है उसको अपने ताबे कर सकता है और अपनी मतलब के काम उससे करवा सकता है जो आमिलीन हजरत होते हैं जो जायज़ तरीक़े से करते हैं उनकी कैटेगरी तो अलग है क्योंकि वो आ, अमलियात मुक़दसा और आनी और आदो वज़ाइफ़ की बदौलत ये करते हैं लेकिन जो जादूगर हजरात हैं वो शर्किया और शर्किया तरीक़े से और हराम फेल से उनको अजियत देकर काबू करते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँगा कि अगर आप किसी इंसान को क़ैद करना चाहें अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन क़ैद करने के तरीक़े हैं कि अगर तो कोई जायज़ तरीके से क़ैद है उसने कोई वाकई नुकसान किया है वाकई किसी को लूटा है या कत्ल किया है या कोई भी उसका जुर्म है तो वो तो समझ में आता है लेकिन एक होता है वो मासूम है उसने कुछ किया नहीं है उसका कोई जुर्म नहीं है और आप उठा कर उसे जंदान में डाल दें अब ये तो नाहक और नाजायज़ कैद करना होगा ना इसी तरीके से वो जो जादूगर हजरात हैं वो मासूम जन्ात को और शरीर जन्नत दोनों को काबू कर लेते हैं और वो गलत अमलियात की बदौलत फिर वो उनको टॉर्चर करने के लिए जुमले कसते हैं और अजियत देते हैं और मखसूस अमल मखसूस टाइमिंग फ्रेम में करते हैं और उनको ये ड्यूरेशन देते हैं कि इससे पहले पहले तुम मेरा ये फ़लां काम करके आ जाओ इन द मीन टाइम वो अपने कस्टमर से इतने पैसे ले लेते हैं और जन्नात को बाउंड कर देते हैं कि अगर वह नहीं आए तो उनको चिराग पर रख कर जला देंगे या बोतल में बंद कर देंगे तो इनको बदबख्तों को ये नहीं पता कि वो भी अल्लाह की मखलूक है और आपको इनको जवाब देना होगा और यही वजह है कि आमिल ऐसे हज़रा की मौत बड़ी इबरतनाक होती है और इतनी इबरतनाक मौत होती है कि जब कुछ जिन उसमें से जब आज़ाद हो जाते हैं उनके शिकंजे से वही उनको बर्बाद कर देते हैं आ, तो जन्त का नाम अगर आपको पता चल जाए तो आप उनको अपने ताबे कर सकते हैं यही वजह है कि मासूम से मासूम ही जिन क्यों ना हो उसको ये बात पता होती है तो अगर वो हाजिर हुआ है तो आप उससे लाख पूछते रहेंगे वो नाम नहीं बताएगा अच्छा नाम बताएगा ये भी मज़े की बात है लेकिन उसका असली नाम नहीं होगा जी वो झूठ बोलेगा जन्नात बहुत झूठ बोलते हैं मैंने जन्नात इंसान से ज़्यादा तो किसी को खैर झूठ बोलते नहीं देखा लेकिन मैंने जन्ातों को जितनी कैपेसिटी में कॉन्फिडेंस लेवल से झूठ झूठ बोलते देखा है वाकई मैं कभी कभार सोचता हूँ कि उन्होंने तो कभी कभार इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया आ, वो इतने कॉन्फिडेंस लेवल से झूठ बोलेंगे वो एक शेर है ना वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से मैं अपने मोहसिन का एतबार न करता तो क्या करता तो वो इतने सलीके से झूठ बोलते हैं कि जिसको नॉलेज दीन की ना हो या जो दीनियात की तरह से या अपनी प्रॉपर तरबियत से वाकफ़ ना हो वो तो उनके हाथों में आ जाता है बल्कि जन्नात उल्टा उसे काबू कर लेते हैं तो इसलिए जन्नात की कमजोरियों में एक ये बड़ी प्राइम वीकनेस है कि वो अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते जब तक उनको कॉन्फिडेंस लेवल ना आ जाए कि यह आमिल हमें तंग नहीं करेगा या हमसे नाजायज़ नहीं करवाएगा या अनटिल अनलेस आमिल इतना पावरफुल है कि वो उनकी परमिशन ही ना हासिल करे उसको पता हो वो क्या सीधा सीधा मुझे अपना नाम बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा तो जन्नात की कमजोरियों में ये भी है कि उनको मिठाई बहुत पसंद होती है जन्नात मिठाई के दीवाने होता है जन्नात की जो वीकनेस है कमज़ोरी है वो है जानवरों की हड्डियाँ और सरकार की यह हदीस है कि सूर्य जिन जब नाजिल हुई है डिसेंड हुई है तो जन्तों की जमात मस्जिद जन् में सरकार के पास आई हाज़िर हुई और आकर अर्ज़ किया आका वाले वसलम अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक ने हमारा रज़ जानवरों की हड्डियाँ और गोबर में फरमा दिया लिहाजा आपकी उम्मत इन पर गंदगी गिलाजत यानी पेशाब और फजला ना डाले क्योंकि इसमें अल्लाह ने हमारा रिजक रखा है अब आप ख़ुद देखें कि आप मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई फिश जालफ्रेजी चाइनीस पकौड़े इमरती जलेबी मिठाइयाँ मशरूबात अगर आपके सामने रखे हों और कोई गंदगी गलाजत उस पर कर दे तो आपको कैसा लगेगा ये उनकी ग़ा है तो इसी लिए इमाम जाफर सदल वसम ने फरमाया कि जब तुम गोश्त खाओ तो हड्डियों पर जो रेशा या आखिरी गोश्त का किनारा लगा होता है उसे छोड़ दो क्योंकि अल्लाह ने इसमें भी जन्नातों का रिजक रखा है और अगर तुम ये भी खा लोगे यानी आप कंप्लीटली बोन को साफ़ कर देंगे डी मीट कर देंगे मीट लेस कर देंगे उसको दांतों से चबा कर बिल्कुल बोन को क्लियर कर देंगे तो इमाम फरमाते हैं कि वो तुम्हारे घर का रिजक आकर ले जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने इसमें उनका रिजक रखा है जन्त की कमज़ोरीों में बहुत सारी और भी कमज़ोरियाँ हैं उनकी वीकनेसेस में ये भी है कि उनको ख़स, अंबर रेहान और मुश्क उनको बहुत पसंद होती हैं ये सरकार की फेवरेट एरोमेटिक आरूम, इतर हैं और आले रसूल अहले बैत को बहुत महबूब है जन्नात को ये खुशबुएँ बहुत पसंद होती हैं सुरख़ गुलाब वीकनेस है जिनकी की एक स्याह गुलाब भी होता है कहते हैं कि अगर स्याह गुलाब अपनी पहले बहार में खिले और अगर कोई आमिल उसके खिलने से पहले उसके पास बैठ जाए और वहाँ बैठ कर सूर्य जिन पढ़े और उस गुलाब पर दम करे तो इतने जन्ात हाजिर होते हैं इतने जन्नात हाज़िर होते हैं कि जब तक वो उस आमिल को खुश ना कर दें वहाँ से जाते नहीं हैं अल्लाह पाक इन अल्लाह पाक मुझे बता बचा लेना और इन सो कॉल्ड आ... अजीब जंग की लोगों को बचा लेना कि कहीं ये लोग जाकर इस सेगमेंट के बाद बाहर में काले गुलाब के पास ना बैठ जाए देखिए बेवकूफ़ों की इस दुनिया में कमी नहीं ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा एक तो सूर्य जन ऊपर से आपका उसका आमिल होना ज़रूरी है और अगर आपने ये बेबूकूफ़वाना हरकत की मैं तो आपको सनेेरियो डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ये होता है मैं आपको तरीक़ा थोड़ी बता रहा हूँ इसमें इसका हिसार बंदी होती है इसके इसके हिसार के पैनल्स होते हैं इसमें आपकी पूरी ज़िंदगी भर की तरबियत होती है आपके सदक़ात आपके खैरत आपकी न्याज़ आपकी डेडिकेशन इन्वॉल्व होती है ऐसे थोड़ी है आप जाके गुलाब के पास बैठेंगे और सूरज पढ़ेंगे और जनाब जमातें आना शुरू हो जाएंगी आपके पास जन्नात की वीकनेसेस और कमजोरियों में समंदर हो समंदर उनको बहुत पसंद है जन्नात जिस तरह आपको पैलेस बारादरी आ, बहुत बड़ी हवेली आपको पसंद होती है इंसानों को बड़े बड़े महलात या महल अगर पसंद हैं आप जानते हैं जन्नातों का महल क्या होता है जन्नात किस जगह को अपना पैलेस तवर करते हैं जी हाँ समंदर के दरमियान में जो जजीरा है और पहाड़ों में जो ऊंचे तरीन ग़ार हैं ये जन्नात के महल होते हैं और जन्नात को ये बहुत पसंद होते हैं जन्नत की कमजोरियों में माजरत के साथ ऐसी लड़की जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और अब अगर उसका वजू नहीं है तो ये जन्त की वीकनेस बन जाती है इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बाकरा लड़की को खसूस जब उसकी शादी ना हुई हो उसको बेवजू नहीं रहना चाहिए और नापाक रहना ही नहीं चाहिए यही कैरेक्टरिस्टिक्स वीकनेस जन्नात छोटे मासूम बच्चों में भी और लड़कों में भी तलाश करते हैं कि अगर कोई लड़के बहुत हसिन व जमील हैं उनकी शादी नहीं हुई है और वो बेवजू हैं उन्होंने परफ्यूम वगैरह लगाए यही दिस इज़ ऑल्सो ये बॉयज़ के लिए भी इतना ही खतरनाक है लड़कों के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है जन्त की कमज़ोरीों में ये कमज़ोरी भी है कि अगर कोई ग़लत तरीक़े से क़ुरान पढ़ रहा है तो बस समझ लें कि उनकी पार्टी हो जाती है यानी कि अब उसकी ख़ैर नहीं है आपने सुना होगा किसी ने गलत तरीके से कुरान पढ़ा और वो पागल हो गया उसका दिमाग पलट गया क्योंकि मलाइका और मवक्लिन कुरान की आयतों पर उसकी हिफाजत पर मामूर हैं लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ग़लत कुरान पढ़ रहा है तो जिस तरह इंसान को गुस्सा आ जाएगा इस तरह जन्नात को भी गुस्सा आ जाता तो ये उनकी बड़ी वीकनेस है कि वो फिर जमा होना शुरू हो जाते हैं और मेक श्योर करते हैं उसको नुकसान पहुँचा कर जाएँ तो इसीलिए तो अल्ला ने क़रन में फरमाया कि तुम पर लाजम है इसको ठहर ठहर कर पढ़ा करो स्पीड से ना पढ़ो ठहर कर पढ़ो जन्त की वीकनेसेस में कमजोरियों में आ, गंदगी गिलाजत बहुत ज़्यादा जहाँ गंदगी गिलाजत बदबू हो समझ लें ये उनका हैंग आउट एरिया है यहाँ वो हैंग आउट करना पसंद करेंगे इसीलिए तो सरकार ने फरमाया सफ़ाई न सिर्फ़ ईमान अपने घरों को पाक रखो और इमाम ने फरमाया हज़रत इमाम जाफर सदसम का इरशाद आप फरमाते हैं कि रात भर का कचरा फ्ताब से पहले घर से निकाल दो वरना सारे शयातीन जन्नात इसे रात भर तुम्हारे रिजक को चाट कर बेबरकती में तब्दील करते रहेंगे अल्लाह पाक हमें सोचने, समझने की तोफीक दे और अपनी बाउंड्रीज की शनाख्त अता फरमाए और इंसान को अपने दर्जे को महसूस करके जन्नातों की पिराटर्स ऑफ रिस्पेक्ट को उनकी हदूद को समझने की आल रसूल की जूतियों के सखते गाजी के वसीले से توفيق قد الحق غازي يا غازي